कुछ मामला हुआ है सर, कई संप्रेषण गृह के कैदी घायल हैं। देखिए, राजकीय संप्रेषण किशोर गृह जो है उसमें सुबह सूचना मिली थी कि कुछ जो बालापचारी हैं आपस में किसी बात को लेकर कहा सुनी है, मारपीट कर लिया है, जिस पर तत्काल मौके पर मैं और सिटी मजिस्ट्रेट और जो SHO कोतवाली हैं उन्होंने मौका मुआयना किया और वहाँ पे जाके जो बालापचारी हैं उन सभी से जो है कि वार्ता की गई, पूरा जो स्थिति का जायज़ा लिया गया कि आखिर क्या माहौल ऐसा रहा जिसकी वजह से जो अपचारी हैं आपस में उन्होंने झगड़ा किया। तो वहाँ जाके स्थिति देखी गई कि चार जो बच्चे हैं जो किशोर अपचारी हैं वो आपस में जो है कि मारपीट की वजह से कुछ घायल हैं और फिलहाल उनको तत्काल जो है प्रथम उपचार के लिए भेज दिया गया, जिनका उपचार इत्यादि जो है कि हो गया और इसमें आगे जैसी भी स्थिति बनेगी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसमें सर कोई तहरीर किसी के द्वारा प्राप्त हुआ होगा, अगर तो क्या कुछ कार्रवाई उसमें और किस तरीके की सर कानूनी कार्रवाई की जाएगी? हाँ देखिए, ये मामला जो कि बाल संप्रेषण गृह से जुड़ा हुआ है लिया जाए, इसमें जो भी विधिक प्रायस्थिति होगी उसके अनुसार मौके पर हम लोग अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। इसमें अभी तहरीर प्रथम दृष्टया अभी तक तो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जो भी विधिक स्थिति रहेगी उसके अनुरूप पुलिस कार्य करेगी। क्या कुछ वजह निकल गया है सर इस मामले के? बाल अपचारी हैं वहाँ पे, प्रथम दृष्टया जो है यह भी बात निकल के आई कि जो संप्रेषण गृह में बच्चों की संख्या होनी चाहिए जो मानक है उससे अधिक है, छोटी बड़ी कोई बात इत्यादि जो है कि आपस में थी जिनके कारण बाल अपचारी आपस में जो है कि झगड़ा कर लिए थे।